हेलो स्टूडेंट, आज क्लास 6 का चैप्टर नंबर 2 अब हम पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है हाउ बियर लॉस्ट इज टेल। इस चैप्टर का नाम है हाउ बियर लॉस्ट इज टेल, बियर ने अपने पूंछ कैसे खो दी है। यानी बियर का मतलब क्या होता है? भालू। भालू जो थे वो अपनी पूंछ को कैसे खो दिए हैं, उसी ये एक आयरनी सब्जेक्ट आयरनी चैप्टर है, जिसमें वो है कि मतलब जो अपना रियल लाइफ है उससे कुछ लेना देना नहीं है, एक मजाकिया है, जो मजाक वाला चैप्टर है, हंसने या हंसाने वाला। ओके, क्योंकि बियर अपनी पूंछ कैसे खो दिया उस पर एक आयरनी की गई है ना। तो चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से बता देते हैं हम पहले कि इस चैप्टर में क्या है। होता है कि एक बियर होता है, मतलब भालू होता है, और एक फॉक्स होती है, लोमड़ी ना। तो हम लोग जानते हैं कि लोमड़ी बहुत चालाक होती है, और दूसरों का मजाक उड़ाना उसको अच्छा लगता है, दूसरों को फूल बनाना, बेवकूफ़ बनाना उसको मज़ा आता है फॉक्स को। इसलिए वो क्या करती है ना कि जो बियर होता है भालू के पूंछ को मतलब भालू पे क्या करती है, एक मजाक मतलब उसका एक अप्रैल फूल बोलते हैं ना, अप्रैल फूल, तो अप्रैल फूल बनाने के लिए। लेकिन यहाँ पर अप्रैल फूल जैसा कुछ नहीं है, बस उसको मूर्ख बनाने के लिए एक ट्रैप बनाती है, जाल बनाती है, और उसी के में पढ़ना है कि वो ट्रैप में जो है भालू फंसता है या नहीं, यानी जाल में उसके फंसता है कि नहीं। चलिए स्टार्ट करते हैं। बैक इन द ओल्ड डेज बियर हैड अ टेल विच वॉज हिज प्राउडेस्ट पोजेशन। इट वॉज लॉन्ग एंड लॉन्ग एंड ब्लैक। एक मिनट दिख रहा है ना, एक मिनट। हाँ, लॉन्ग एंड ब्लैक एंड ग्लॉसी एंड बियर यूज टू वेव इट अराउंड जस्ट सो दैट पीपल वुड लुक एट इट। फॉक्स आर दिस फॉक्स एज एवरी वन नोज इज अ ट्रिक्सटर एंड लाइक्स नथिंग बेटर देन फूलिंग अदर्स। सो इट वॉज दैट ही डिसाइडेड प्ले अ ट्रिक ऑन बियर। इट वॉज द टाइम ऑफ ईयर वेन हैदो द स्पिरिट ऑफ फ्रॉस्ट हैड स्वेप्ट अक्रॉस द लैंड, कवरिंग द लेक्स विद आइस एंड पाउंडिंग ऑन द ट्रीज विद हीज बिग हैमर। फॉक्स मेड अ होल इन द आइस राइट नियर अ प्लेस वेयर बियर लाइक टू वॉक। बाई द टाइम बियर केम बाई ऑल अराउंड फॉक्स इन अ बिग सर्कल वेयर बिग ट्रॉट एंड फैट पर्च। जस्ट एज बियर वॉज अबाउट टू आस्क फॉक्स दैट ही वॉज डूइंग, फॉक्स ट्विस्ट हिज टेल विच ही हैड स्टिकिंग थ्रू दैट होल इन द आइस एंड पुल्ड आउट अ ह्यूज ट्राउट। चलिए हम मतलब बताते हैं इसका मीनिंग क्या है। बहुत समय पहले बियर के क्या होते थे कि बहुत लंबे लंबे पूँछ होते थे, मतलब बड़े पूँछ होते थे, जिसपे वो क्या करता था, मतलब पूँछ होते थे उसके, और जो भालू होते थे बहुत उस पर प्राउड फील करते थे, गर्व फील करते थे। और वो क्या होता था, जो पूँछ होता था उनका काला होता था, ग्लॉसी होता था, चमकदार होता था उनके पूँछ भालुओं के। तो भालू क्या करते थे, वो अपने पूँछ को ऐसे हिला हिला कर चलते थे, अपना दिखाते थे सब लोगों को, लोग उसको देखना भी पसंद करते थे। तो भेड़ियों ने क्या किया, देखा तो भेड़ियों ने देखा तो भेड़ी एक भेड़िए ने देखा और भेड़िए ने क्या सोचा कि उस पर कुछ जो लोमड़ी है उसने क्या सोचा कि इस पर इसको फूल बनाया जाए, इसको मूर्ख बनाया जाए। मतलब हम जानते हैं कि भेड़िए क्या होता है, ट्रिक्स्टर जैसा काम करते हैं, मतलब वो किसी को पसंद नहीं करते, सबका मजाक उड़ाना पसंद करते हैं। तो इसलिए उन्होंने बियर को फंसाने की कोशिश किया और उसकी उसका मजाक उड़ाने का एक प्लान बनाया। ये वो समय था, इट वॉज़ द टाइम ऑफ ईयर, ये वो समय था जब भेड़िए जो थे जो प्लान बना रहे थे उसको पकड़ने मतलब फंसाने का, ये उस समय की बात की गई है कब वो लोग प्लान बनाते हैं। जब हैदो यहाँ पे बात की गई है एक राक्षस की, या बोल सकते हैं शैतान की, जो तूफान का, जैसे बोलते हैं ना तूफान का देवता या तूफान का वो राक्षस, उसी की बात की गई यहाँ पर। एक ऐसे ही उठा लिया गया, मतलब एक एक्टर को यहाँ पर ला दिया गया है, बताया गया कि हैदो नाम का कोई राक्षस है, मतलब तूफान जो है आता है तो सबकी सबकी विनाश करता है, सबको मार देता है, इसलिए उसको एक राक्षस का नाम रख दिया गया हैदो ना। वो ये वो समय था जब हैदो, मतलब जानते ही हो कि बर्फीली इलाकों में हमेशा तूफान फ्रस्ट आते रहते हैं, बर्फ गिरते रहते हैं, तो उसी समय की वही समय रहता है, और बर्फ गिरने मतलब गिरने ही वाले रहते हैं या गिर रहे होते हैं थोड़े थोड़े। तब बियर क्या होता है, अपना अपना बहुत अच्छे तरीके से चलता हुआ जाता है मटकते मटकते, तो बियर देखता है कि भेड़िए क्या है, चारों तरफ गोले बनाकर हैं, मतलब गोला बनाकर कुछ कर रहे होते हैं। तो
बियर को क्या करता है, बियर भी क्या करता है, उन सबके पास जाता है। बियर उन सब से पूछने ही वाला रहता है कि क्या कर रहे हैं, तभी फॉक्स क्या करता है, अपने टेल अपना जो पूछ है उसको हिलाता है, एंड जो होल होता है, एक होल रहता है, होल में क्या किया रहता है, जो फॉक्स रहता है, फॉक्स जो होता है वो अपने एक होल बनाया रहता है। होल क्या होता है, रुकिए मैं बता देता हूँ ये होल का चक्कर क्या है। यहाँ पर बियर इस समय क्या कर रहे हैं ना, वहाँ पर मछली मार रहे हैं सब, ठीक है, बियर कह रहा हूँ। फॉक्स जो है वहाँ पे घेरा बनाकर, गोल सर्कल बनाकर एक मतलब मछली को मार रहे हैं। कैसे, वो क्या कर रहे हैं कि होल बना दे रहे हैं, मतलब जो बर्फीली इलाके होते हैं वहाँ पे नीचे पानी होता है, ऊपर बर्फ जमा रहता है, तो क्या कर रहे हैं, बर्फ में होल बना दे रहे हैं। मान लो ये पूरा क्या है, बर्फ है, इसके नीचे क्या होता है, पानी होता है, तो वो क्या कर रहे हैं, यहाँ पे होल बना दिए और होल के अंदर अपने पूंछ को क्या कर दिए, उसको रख दिए, और पूंछ को जब मछली पकड़ेगी तो क्या करेंगे, खींच लेंगे और मछली ऊपर आ जाएगी। तो वही फॉक्स कर रहे होते हैं। तो वो बियर जाता है, तभी बियर वहाँ पे जैसे ही पहुँचता है तो फॉक्स पूछता है, फॉक्स सेड ग्रीटिंग ब्रदर, मतलब फॉक्स क्या बोलता है, मतलब अभिवादन करता है अपने, मतलब नहीं बोलते हम लोग हाय ब्रो या हेलो ब्रदर, गुड मॉर्निंग ब्रदर, ऐसे नहीं बोलते हैं, तो वो भी उसको ग्रीट करता है। अब पूछता है कि आज के दिन तुम कैसे हो, मतलब आज का दिन कैसा है। तो बियर भी उसको ग्रीट करता है, अभिवादन करता है, नमस्ते करता है, और देखता है कि वो लोग क्या कर रहे हैं, मछलियों को मार रहे हैं, मोटी मोटी मछलियों को क्या कर रहे हैं, एक सर्कल बनाकर देख रहे हैं, लुकिंग एट बिग सर्कल ऑफ फैट फिश, ठीक, आई एम वेल ब्रदर, और कहता है बियर, मैं ठीक हूँ ब्रदर, तुम क्या कर रहे हो, अभिवादन करता है बियर, और फॉक्स से पूछता है कि मैं तो ठीक हूँ, तुम क्या कर रहे हो, तो फॉक्स बोलता है आई एम फिशिंग, मैं मछली मार रहा हूँ। फॉक्स क्या करता है, बताता है, वुड यू लाइक टू ट्राई, क्या तुम भी ट्राई करोगे मछली मारना। फॉक्स पूछता है बियर से, क्या तुम भी मछली मारना पसंद करोगे, वुड यू लाइक टू ट्राई, कोशिश करोगे मारने का। तो बियर कहता है ओ यस हाँ, सेड बियर एज ही स्टार्टेड टू लंबर ओवर टू फॉक्स फिशिंग होल। और क्या करता है वो, और वो क्या करता है, धीरे धीरे वो जो होल बनाए रहते हैं उसकी तरफ जाने लगता है ना, बियर मतलब होल मतलब मछली मारने के लिए वो भी जाने लगता है, बट फॉक्स स्टॉप्ड हिम, लेकिन फॉक्स क्या करता है, उसको स्टॉप कर देता है, वेट ब्रदर रुको भाई, ही सेड, क्या बोलता है वो, कौन बोलता है, फॉक्स बियर को रोक लेता है, कहता है रुको, दिस प्लेस विल नॉट बी गुड, एज यू कैन सी आई हैव ऑलरेडी कॉट ऑल द फिश, लेट अस मेक यू अ न्यू फिशिंग स्पॉट वेयर यू कैन कैच मेनी बिग ट्राउट, ठीक। तो ट्राउट का मतलब यहाँ पर है मछली से ना, एक तरह की मछली होती है, ठीक है। तो वो बोलते हैं, फॉक्स बोलता है कि अब यहाँ पे हम लोगों ने मछलियाँ मार ली हैं, अब यहाँ पे तुम कोई खास मछली को नहीं पकड़ पाओगे, मैं चलो तुमको एक अच्छी जगह दिखाता हूँ जहाँ पे तुम बड़े बड़े मछलियाँ मार सकते हो, अच्छी मछलियाँ, ठीक है। बियर एग्रीड एंड सो ही फॉलोड फॉक्स टू द न्यू प्लेस, अ प्लेस वियर एज फॉक्स न्यू वेरी वेल, द लेक वॉज टू शैलो टू कैच द विंटर फिश ना, विच ऑलवेज स्टे इन द डीपेस्ट वाटर वेन हैदो हैज कवर्ड देयर पॉन्ड पॉन्ड्स। देखो हैदो का नाम आया ना यहाँ पर दोबारा, हैदो का मतलब है वो जो तूफान है, अब बर्फ जहाँ पड़ेगा वहाँ पे तूफान ही पड़ा होगा, तूफान आया होगा, तो उसने क्या किया है?